बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ तो सजनों, जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो एक मां और बेटे का किस्सा है, जिसमें मां बेटे के साथ में क्या सलूक करती है और बेटा मां के साथ में क्या। माता अपने बेटे को कितना लाड लड़ाती है, नमास गर्भ में रखती है वो अपना दूध पिलाती है। ऐसी माँ से जो नर पलटे पुत्र नरक का गामी है, पुत्र नहीं कपुत्र है कहलाता दूध हरामी है। नौ मास तक गर्भ में रखने वाली माँ, देखो माँ कहने से आदमी का खाली मुंह भर जाता है। नौ मास गर्भ में रखती है वो अपना दूध पिलाती है, ऐसी माता से जो नर पलटे पुत्र नरक का गामी है, पुत्र नहीं कपुत्र है कहलाता दूध हरामी है। नौ मास गर्भ में रखती है वो अपना दूध पिलाती है, खुद सोती है गीले में और सूखे में उसे सुलाती है, और तीन साल तक खुद गीली जगह में सोवे और बेटा ने सूखी जगह कर सुवाने से। तो देखो फिर भी एक माँ और बेटे का किस्सा वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, एक बुढ़िया थी मुकद्दर से गरीब और मोहताज, एक बुढ़िया थी मुकद्दर से गरीब और मोहताज, कहे तकदीर से बेटा तब उसका दीवाना, कहे तकदीर से बेटा तब उसका दीवाना, एक हसीना पे दिलो जान देता दीवाना। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ आज, एक बुढ़िया थी मुकद्दर से गरीब और मोहताज। एक बुढ़िया थी, उनका एक ही लड़को छो, जंगल में लकड़ी काट अपना पेट ने पालती, जी जंगल में लकड़ी ले बाऊ को बैठो भी जातो, उनमें एक लड़की जाती। उस लड़के को उस लड़की से प्रेम हो गया, प्रेम इतना घनिष्ठ हो गया कि आपस में वो छुप छुप कर मिलने लगे। एक दिन वो लड़का उस लड़की को क्या कहता है, बोला लड़का बोला लड़का बोला लड़का बोला लड़का एक रोज बनके फरियादी, बनके फरियादी। क्या कहता है, बुरा ना मानो मेरी जान रचा लो शादी, बुरा ना मानो मेरी जान रचा लो शादी, बुरा ना मान मेरी जान रचा ले शादी, बुरा ना मान
बुरा ना मान, बुरा ना मान मेरी जान रचा ले शादी, बुरा ना मान मेरी जान रचा ले शादी। बोला लड़का एक रोज बन के फरियादी, बुरा ना मान मेरी जान रचा ले शादी। लड़की कहती वाह रे वाह, क्या बात कह दी तूने, कि क्यों कि मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं कर सकती, क्या कमी है ऐसी मुझ में। लड़की कहती है कि वो कमी तू पूरी नहीं कर सकता। तो लड़का कहता है कि तू कहे तो तेरे लिए आसमान से सितारे लिया हूं, बैठने को मोटर कार लिया हूं, हवाई जहाज लिया हूं, हेलीकॉप्टर लिया हूं। बोल क्या चाहिए तुझे। कि मुझे कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटी सी चीज है। क्या कहती है लड़की लड़के को, तुझे समझूंगी। तुझे समझूंगी प्यार के काबिल, चीर के सीना मुझे लाद तेरी माँ का दिल, चीर के सीना मुझे लाद तेरी माँ का दिल। मुझे लाद तेरी माँ का दिल, चीर के सीना मुझे लाद तेरी माँ का दिल। बोले सच्चिदानंद भगवान की, तुझे समझूंगी प्यार के काबिल, चीर के सीना मुझे ला दे तेरी माँ का दिल। अरे राम राम, कितनी गहरी बात कर दी उसने। लेकिन लड़की के कुछ परवाह नहीं थी, उसने कहा बस ये छोटी सी चीज के लिए तू मुझे इतना तड़फा रही है। कोई बात नहीं, ये चीज तो मैं तेरे को अभी ला कर देता हूं। ये सुन करके, ये सुन करके शैतान खुशी से उछला, इतनी सुनी तो शैतान खुशी से उछला। लेके दिल माँ का वो घर पे वो जा निकला, लेके दिल माँ का वो घर पे वो जा निकला। दिल लेने को माँ का घर पे वो जा निकला, घर पर माँ इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा पता नहीं सुबह से कहाँ गया, वापस नहीं आया। घर पहुंचा तो माँ कहती है कि हे मेरे लाल, हे मेरे बेटे, कहाँ गया था सुबह से। घर पहुंचा तो प्यार से पुकार उठी, क्या कहती है, देर का कर दी मेरे लालिया काले रोटी, देर का कर दी मेरे लालिया काले रोटी, देर का कर दी मेरे लालिया काले रोटी। देर का कर दी, देर का कर दी मेरे लाल आख काले रोटी, देर का कर दी मेरे लालिया काले रोटी। घर पहुंचा तो माँ प्यार से पुकार उठी, कहती है ये बेटा देर कहां कर दी मेरे लाल आ खा ले रोटी। लेकिन इसने उसे
सब कुछ भुला दिया। वो माँ की आवाज को कुछ सुनता नहीं है, माँ की तरफ ऐसे देखता है जैसे शेर अपनी शिकार की तरफ देख रहा हो। रोटी नहीं मैं माँ, रोटी नहीं मैं और कुछ खाऊंगा, मेरी माँ शुक ने मंगाया वो लेकर ही जाऊंगा। कि बेटा ऐसी कौन सी चीज मंगाई है? इतने में तो उसने हाथ भर का छुरा निकाल दिया। निकालते माँ कहती, अरे बेटा ये क्या कर रहा तू? इतने में क्या होता देखिए, इतने में कयामत का मुंह उतर गया, कयामत का मुंह उतर गया। और क्या हुआ? हाथ भर का जो चूरा मात जी घर पार गया, हाथ भर का जो चूरा मात जी घर पार गया। हाथ भर का, हाथ भर का जो चूरा मात जी घर पार गया, हाथ भर का जो चूरा मात जी घर पार गया। बोले रामचंद्र भगवान की। इतने में कयामत का मुंह उतर गया, हाथ भर काज छुरा मां के जिगर पार गया। मां ने जूं आह की आवाज निकाली तो उसने अपनी जूती खोलकर मां के मुंह में ठूंस दी कि मेरी मां की आवाज कोई पड़ोसी सुन न ले। अरे राम राम, कितना पाप कर दिया उसने, लेकिन फिर भी देखो वहां से मां का दिल लेके रवाना हो गया। लेक दिल चल दिया वो शादी रचाने के लिए, लेक दिल चल दिया वो शादी रचाने के लिए, अपनी रूठी हुई मलका को मनाने के लिए। दौड़ते 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 जालिम ने जो ठोकर खाई, छूट गया हाथ से दिल और जमी थर्राई, हाथ से छूट गया दिल और जमी थर्राई। लेके दिल चल दिया वो शादी रचाने के लिए, अपनी रूठी हुई मलका को मनाने के लिए। दौड़ते दौड़ते उसने ठोकर खा ली, ठोकर खाते ही गिर गया और माँ का दिल भी उसके हाथ से छूट कर एक तरफ। इतने में इतना जल्दी था वो कि लपक कर वापिस उस दिल को उठाने दौड़ा तो क्या हुआ, जल्दबाजी में लपकाता दिल उठाने को। दिल उठाने एक करिश्मा नजर आया वहां परवाने, जल्दबाजी में लपका था दिल उठाने को, एक करिश्मा नजर आया वहां परवाने को। क्या करिश्मा नजर आया? जी माँ के दिल को पकड़ने लगा तो माँ को कड़े जो काई घेरे अपना बेटा ने कि हे बेटा हर लाग तो कौन की? देखिए माँ का दिल फिर भी अपने बेटे के लिए कितना दयालु है कि अपने बेटे की दया आ रही है, लेकिन बेटे को माँ की नहीं। क्या कहता बड़ा बड़ा माँ का दिल, तड़पती हुई माँ के दिल ने कहा,
माँ के दिल ने कहा, तड़पते हुए माँ के दिल ने कहा, लेते हुए अंगड़ाई, लेते हुए अंगड़ाई, उठ मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई, 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 उठ मेरे लाल, उठ मेरे लाल, उठ मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। माँ के दिल ने यूं कहा, लेते हुए अंगड़ाई, नहीं मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। लेकिन वहां पर माँ की भाषा को सुनने वाला कौन था? इश्क ने अंधा, इश्क ने अंधा बहरा भी उसी कर डाला, इश्क ने अंधा बहरा भी उसी कर डाला, कौन था वहां? अरे माँ की सजा सुनने वाला कौन था वहां? माँ की सजा सुनने वाला, रात के वक्त में हर आंख से वो बच निकला, रात के अंधेरे में, रात के वक्त में हर आंख से वो बच निकला, जल्द ही माशूक के घर पे वो जा निकला। और अपनी मासूका के पास जाकर उस दिल को कदमों में रख दिया और कहा कि ले, रख के दिल कदमों में, रख के दिल कदमों में, वो लड़का वो मुस्कुराया कि आ हा हा, हे मेरी जान, ये तूने मंगाया और मैंने ला दिया। रख के दिल कदमों में लड़का वो मुस्कुराया, लड़का मुस्कुराया, जो मांगा था मेरी जान वो मैं ले आया, जो मांगा था मेरी वो जान वो मैं ले आया, जो मांगा था मेरी जान वो मैं ले आया। श्यावर रामचंद्र भगवान की, रात के वक्त में हर आंख से वो बस निकला, थोड़ी ही देर में मासी के घर पे पहुंच गया और दिल कदम रखकर कहने लगा कि ले, हे मेरी जान, तूने मंगाया मैंने ला दिया। लड़की ने जब देखा तो आंखों में आंसू आ गए उसके, अरे राम अत्यारे कमी नीच, ये तूने क्या किया कि मैंने तूने मंगा यार मैंने ला दिया। तो लड़की कहती है, तू आशिक नहीं, तू जैसा आशिक नहीं, अरे तुसा आशिक है पर कुर्बान नहीं, वास्तव में हकीकत में शैतान है इंसान नहीं, हकीकत में शैतान है इंसान नहीं, तू शैतान है इंसान नहीं। अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, तो समझा नहीं कि क्या कि जिसने तुझे पैदा किया है, पाल पोष कर बड़ा किया है, तो मेरे कहने पर उसका कलेजा मुझे लाकर दे दिया, तो मेरा क्या विश्वास? मुझे तो तू कभी मार डालेगा, जाते रहता शादी नहीं करती,
नहीं। अरे मूर्ख तूने सोचा नहीं कि इसका असर क्या होगा, तो अपनी माता का ना हुआ तो मेरा क्या होगा, अपनी माता का ना हुआ तो मेरा क्या होगा। अपनी माता का अपनी माता का अपनी माता का ना हुआ तो मेरा क्या होगा, अपनी माता का ना हुआ तो मेरा क्या होगा। तेरे साथ शादी नहीं करती तो तेरी माँ का ना हुआ तो मेरा तो कब होगा। इतने में आ क्या होता है, गांव वाला की भीड़ लाग गई कि काई बात हुई आज, जो देखो जो करे राम राम राम, पुलिस को खबर कर दी। बातों ही बातों में बातों की बतंग गड़बड़ी, थोड़ी ही देर में आ गई पुलिस लेकर हथकड़ी और गिरफ्तार कर लिया, थाने में पकड़ के ले गए, जज साहब के सामने पेश कर दिया कि इसने अपनी मां का खून किया है, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो भी मां का दिल मेज पर रखा हुआ था, बड़े बड़े माँ को दिल बेटा के लिए गवाही दे रहे थे, कहीं घेरे देखो। अरे छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ दो छोड़ दो मेरे जिगर के टुकड़े को, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मेरे जिगर के टुकड़े को, फिर से का देखूंगी मैं चांद से इस मुकड़े को, फिर से का देखूंगी मैं चांद से इस मुकड़े को। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मेरे जिगर के टुकड़े को, फिर से का देखूंगी मैं चांद से इस। ये सुनकर पुलिस ने उसे छोड़ दिया और माँ ने क्या कहा, माँ के दिल ने कि है जज साहब, इसने मेरा खून नहीं किया बल्कि मैंने मेरा कलेजा मेरे हाथ से निकाल कर दिया है। छोड़ दो इसमें इसका कोई कसूर नहीं, ये तो बच्चा है नादान अभी तक होश नहीं, ये तो बच्चा है नादान अभी तक होश नहीं, ये तो बच्चा है नादान अभी तक होश नहीं। ये तो बच्चा है नादान अभी तक होश नहीं, क्या बात उस्ताद। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ आज, एक विधवा थी मुकद्दर सी गरीबी और मोहताज। इतनी बात सुनी जज साहब ने कह दिया कि ठीक है भाई इसको छोड़ दो, पुलिस ने उसको रिहा कर दिया
लेकिन देखिए अपनी मां को मार बैठा उस माशुका के पीछे, फिर भी उसको प्राप्त नहीं हुई। ये सुन करके पुलिस ने उसको छोड़ दिया, पड़ते जमीन पे नादान ने दम तोड़ दिया, पड़ते जमीन पे नादान ने दम तोड़ दिया, पड़ते जमीन पे नादान ने दम तोड़ दिया। अरे सांवरिया लाल, ये सुनकर पुलिस ने उसे छोड़ दिया, पड़ते जमीन पे नादान ने दम तोड़ दिया, पड़ते जमीन पे नादान ने दम तोड़ दिया। ये सुनकर पुलिस ने उसे छोड़ दिया, पड़ते जमीन पे नादान ने दम तोड़ दिया, अचानक चक्कर आया, गिर के मर गया। इस व्याकरण से यही अर्थ मिलता है कि हो सके जब तक मां की सेवा करनी परमात्मा से बड़ी बताई है। एक ममता की आज एक विधवा थी मुकद्दर से गरीब और मोहताज, एक विधवा थी मुकद्दर से गरीब और मोहताज। Thank you।